डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 20 मार्च 2020 और हमारा जो एपिसोड नंबर है 601। ये हमारे चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट है ssccjlpinnacle.com और baljeetdhaka.com उन्हें भी आप विजिट करें। करंट अफेयर्स का ये जो वीडियो है ये रोज सुबह 4 बजे आपके लिए हमारे चैनल्स पर अपलोड होता है। अब आइए देखते हैं हम प्रीवियस क्विज के दोनों प्रश्न। पहला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ देखिए पूछा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो आंसर इसके लिए क्या है, आंसर जो है हमारा इसके लिए है 20th of March, ये मनाया जाता है 20 मार्च को। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि वो कौन से पूर्व रक्षा मंत्री हैं जिनके जीवन पर हाल ही में इनविंसिबल नामक एक पुस्तक जो है वो जारी की गई है, और इसके लिए हमारा जो उत्तर है वो है मनोहर पर्रिकर। ये दोनों जो है हमारे प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस, और आप में से अधिकतर लोगों ने इनका उत्तर जो है बिल्कुल सही दिया है। यहाँ पर पहला प्रश्न देखो, G20 सदस्य देशों के लिए जो वर्चुअल सम्मेलन है उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये प्रश्न है, और उत्तर है यहाँ पर सऊदी अरब। सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगले सप्ताह जो है G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। G20 शिखर सम्मेलन राजधानी रियाद में 8 महीने पहले आयोजित किया जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी के बीच G20 जो है ये सदस्य देशों के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस दुनिया भर के नेताओं को एक साथ इकट्ठा करेगी। हाल ही में भारत ने जो सार्क नेता हैं उनके साथ भी एक वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें भारत ने आपातकालीन सार्क निधि का भी प्रस्ताव रखा था। ये हमारा पहला प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि जो G20 2019 है वो जापान में आयोजित किया गया था। काफी बार मैंने आपको G20 2020 जो 2021 वाला होगा वो कहां पर होगा ये बताया है, तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में लिखकर कि G20 2021 जो है वो कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज होगा। ये हमारा पहला प्रश्न था। बात हुई है सऊदी अरब की, तो ये देखिए मैप में आपको सऊदी अरेबिया जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो हमारा कंट्री है ये सऊदी अरेबिया है। कैपिटल यहाँ पर रियाद है, करेंसी सऊदी रियाल। किस भारतीय महिला को ICC डेवलपमेंट एम्पायर पैनल में शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं जनानी नारायणन, वृंदा राठी, रोशनी विजया, और फाइनली डी में दोनों ए और बी। ये हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो आंसर यहाँ पर हमारा जो है वो डी होगा, दोनों ए और बी, यानी जनानी नारायणन और वृंदा राठी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है अंपायरों के डेवलपमेंट पैनल में उन्होंने भारत की दो महिला अंपायर जो है जनानी नारायणन और वृंदा राठी को शामिल किया है। इससे क्या होगा, अब ICC में महिला एम्पायरों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। 34 साल की नारायणन जो है 2018 से ही घरेलू टूर्नामेंट जो होते हैं उनमें वो एम्पायरिंग करती आ रही हैं, और जो 31 साल की राठी हैं उन्होंने करियर की शुरुआत स्कोरर के रूप में किया था, बाद में वो अंपायर बन गई। अब मैं आपको इन दोनों की तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप इन दोनों की तस्वीर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक रिविजन क्वेश्चन भी करा देती हूँ। रिविजन क्वेश्चन ये है कि BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा सुनील जोशी जो हैं उनको अध्यक्ष नामित किया गया है। तो ये जानकारी है, ये जो है ये सुनील जोशी जो है ये राष्ट्रीय चयन पैनल जो है उसका अध्यक्ष इनको नामित किया गया है। ये हमारे प्रश्न हो गए, आगे चलते हैं। गणित में नोबेल के विकल्प के रूप में जाना जाने वाला एबल पुरस्कार 2020 जो है ये किसने जीता है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। आंसर है यहाँ पर दोनों ए और बी, यानी कि हेलेल फुस्टेनबर्ग और साथ ही ग्रेगरी मार्गोलिस। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या है, आंसर हमारा डी है। गणितज्ञ है हेलेल फुस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गोलिस,
इन्होंने संयुक्त रूप से संख्या सिद्धांत और संयोजन सिद्धांत जैसे गणितीय क्षेत्रों में संभावना और गतिशीलता से तरीकों में अग्रणी उपाय के लिए एबल पुरस्कार 2020 जीता है। एबल पुरस्कार जो है ये गणित में नोबल पुरस्कार के रूप में इसको माना जाता है। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर डी है, और आप यहाँ पर ये तस्वीर जो है ये देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस से जंग में बच्चों के लिए कौन सा सुपर हीरो लॉन्च किया है। ठीक है, तो भारत सरकार ने कोरोना वायरस से जो जंग है उसमें बच्चों के लिए सुपर हीरो लॉन्च किया है। आप मुझे बताएंगे कि उसका नाम क्या है, क्या उसका नाम बाहुबली है, शक्तिमान है, परमाणु है, या फिर उसका नाम जो है वो है वायु। तो आंसर यहाँ पर है हमारा डी, वायु उसका नाम है। आंसर यहाँ पर डी होगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बच्चों के लिए वायु नामक एक सुपर हीरो जो है वो लॉन्च किया है। ये जो सुपर हीरो है ये बच्चों के साथ घातक कोरोना वायरस के खिलाफ उनकी लड़ाई में कुछ स्वस्थ सुझाव साझा करने में उनकी मदद करेगा। भारत में अब तक कोरोना वायरस के लगभग 150 मामले जो हैं उनकी पुष्टि की जा चुकी है। क्वेश्चन 4 आंसर वायु। वायु की तस्वीर देखनी बनती है, ये देखिए किड्स वायु एंड कोरोना यहाँ पर आप देख रहे हैं। ओके, साथ में यहाँ पर देखो ये जो है ये है वो कैरेक्टर वायु। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखो, इसमें पूछा गया है कि जो तीसरा वार्षिक ग्लोबल रिसाइकलिंग डे है ये कब मनाया जाता है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ये मनाया जाता है 18 मार्च को। आंसर यहाँ पर सी होगा। 18 मार्च 2020 को तीसरे वार्षिक ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में मनाया गया है। इस दिन को पहली बार 18 मार्च 2018 को अंतरराष्ट्रीय रिसाइकलिंग ब्यूरो द्वारा मनाया गया था, और हर साल रिसाइकलिंग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर यह दिवस जो है मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, इस बार की थीम जो है वो थी रिसाइकलिंग हीरोज। ओके, रिसाइकलिंग हीरोज, जब भी दिन आए तो उनकी थीम आप जरूर याद रखेंगे। रिसाइकलिंग हीरोज जो है वो इस बार थीम थी। इस दिन विश्व स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, विभिन्न महाद्वीप के जो है 10 विजेताओं को चुना जिन्हें सम्मानित किया गया। थोड़ी सी और आपको जानकारी भी दे देती हूँ कि जो वर्ल्ड स्पैरो डे है, ओके, वर्ल्ड स्पैरो डे ये कब मनाया जाता है। जो वर्ल्ड स्पैरो डे है, ओके, गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस, इसको हम मनाते हैं 20 मार्च को। ठीक है, 20 मार्च को मनाया जाता है ताकि घर की जो गौरैया है और अन्य सामान्य पक्षियों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। अब हम देख लेते हैं ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ये देखिए यहाँ पर ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाते हैं, 18 मार्च को। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखो, आयुष्मान भारत के सहयोग से किस केंद्रीय क्षेत्र ने अपने सभी निवासियों को निशुल्क यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की घोषणा की है। उन आंसर यहाँ पर हमारा जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर। आंसर यहाँ पर जो है वो बी है। सरकार ने जम्मू और कश्मीर के सभी 1.1 लाख वहां पर जो है 1.25 करोड़ निवासियों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया है। उन्होंने 1.25 करोड़। यह निर्णय जो है उपराज्यपाल G.C. मुर्मू की अध्यक्षता वाली सलाहकार परिषद की बैठक में आया, जिसमें आयुष्मान भारत के अभिसरण के लिए केंद्र शासित प्रदेश के सभी निवासियों को मुफ्त में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर स्वास्थ्य योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है। तो आंसर यहाँ पर है हमारा जम्मू और कश्मीर। ये देखिए मैप में जम्मू और कश्मीर, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के वो है R.K. माथुर। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट नामक ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, ये प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, ये प्रश्न है आपके सामने कि ये पुस्तक का नाम दिया गया है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, ये किसने लिखी है। इसको लिखा है बाल चंद्र मुंगेकर ने। आंसर यहाँ पर हमारा जो है वो सी है, क्वेश्चन 7 के लिए सी। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट शीर्षक से पुस्तक का विमोचन किया गया है। पुस्तक जो है बालचंद्र मुंगेकर ने लिखी है।
बाल चंद्र मुंगेकर एक भारतीय इकोनॉमिस्ट हैं और राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में योजना आयोग में काम किया था। तो ये जानकारी है क्वेश्चन 7 के बारे में। आपको मैं इससे संबंधित तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट और लेखक का नाम बाल चंद्र मुंगेकर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी और जानकारी दे देती हूँ कि ये जो पुस्तक है, ठीक है, ये जो पुस्तक है, इसके अलावा मैंने आपको काफी और पुस्तकों के बारे में भी बताया है। तो यहाँ पर मैं एक पुस्तक का नाम ले रही हूँ, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। ओके, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस जो है, ये किस योजना का सफल नेतृत्व करने वाले पर हाल ही में ये जो पुस्तक है ये जारी की गई है। ठीक है, एक योजना थी जिससे संबंधित ये पुस्तक थी, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, उस पर ये पुस्तक जारी की गई है। कौन सी योजना थी ये आपको मुझे बताना है। आगे चलते हैं, ये रहा हमारा 8वां प्रश्न। किस देश ने वुमन ऑन बोर्ड 2020 रिपोर्ट की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये प्रश्न है, और शीर्ष स्थान प्राप्त किया है नॉर्वे ने। आंसर यहाँ पर हमारा क्या है, आंसर हमारा जो है यहाँ पर नॉर्वे है। वैश्विक भर्ती निविदा मंच द्वारा जारी की गई रिपोर्ट विमेन ऑन बोर्ड 2020 के अनुसार भारत को दुनिया में 12वें स्थान पर रखा गया है। भारत में 628 सूचीबद्ध कंपनियों में 55% कंपनियां महिला निर्देशकों की थी, सूची में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। यह अध्ययन वैश्विक स्तर पर कंपनियों के बोर्डों में महिलाओं की उपस्थिति पर आधारित है। क्वेश्चन 8, आंसर हमारा यहाँ पर नॉर्वे। अब ये है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि किस राज्य ने ST ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण हटाने की घोषणा की है, यानी कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जो रिजर्वेशन है प्रमोशंस में वो ST ST एम्प्लॉयज के लिए उसको हटाया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा जो है वो है उत्तराखंड, डी हमारा आंसर है। उत्तराखंड सरकार ने ST ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण हटाने का फैसला किया है। उत्तराखंड में लगभग 2 लाख जनरल और OBC कर्मचारी द्वारा आरक्षण हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहे थे। इसके साथ राज्य सरकार ने राज्य में पदोन्नति पर लगे अन्य प्रतिबंध भी हटा दिए हैं। ये हमारा प्रश्न 9 है। बात हुई है यहाँ पर उत्तराखंड की। बहुत बार मैंने उत्तराखंड आपको मैप में दिखाया है। आज आप उत्तराखंड से संबंधित, उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, दोनों जो राजधानियां हैं, जो कैपिटल्स हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, चीफ मिनिस्टर का नाम बताएंगे, गवर्नर का नाम बताएंगे, साथ ही साथ उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क्स वहां पर लोकेटेड हैं उनके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। ये प्रश्न 9 हो गया। आगे चलो अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर है यहाँ पर रविंदर सिंह ढिल्लो। ये हमारा आंसर है, आंसर यहाँ पर क्वेश्चन 10 के लिए डी मेरा आंसर है। रविंद्र सिंह ढिल्लो जो हैं, उनको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। वो 31 मई 2023 तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। वर्तमान में वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको रविंद्र सिंह ढिल्लो की तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए उनकी तस्वीर है। अब हम आ जाते हैं समरी कीवर्ड्स पर। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी G20 मेंबर नेशंस की, सऊदी अरेबिया इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। इंटरनेशनल पैनल फॉर ICC डेवलपमेंट एम्पायर्स जो है, इसमें भारत की 2 अंपायर्स को शामिल किया है, जनानी नारायणन और वृंदा राठी। एबल प्राइज 2020 जो मैथ्स के लिए दिया जाता है, हिलेल फुस्टेनबर्ग और ग्रेगोरी मार्गुलिस को दिया गया। भारत सरकार जो है उन्होंने एक सुपर हीरो को लॉन्च किया है जो कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाएगा बच्चों के बीच, इसका नाम वायु है। थर्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हम 18 मार्च को मनाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दी गई है सभी रेजिडेंट्स को।
पुस्तक माय एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, ये बाल चंद्र मुंगेकर ने लिखी है और इसको जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने इसका विमोचन किया। उसके बाद विमेन ऑन बोर्ड 2020 लिस्ट में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। उत्तराखंड सरकार जो है उसने जो रिजर्वेशन है प्रमोशंस में एससी एसटी एम्प्लॉयज के लिए उसे हटाने का फैसला किया। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी बने रविंद्र सिंह ढिलोन। ये समरी कीवर्ड्स हो गए। आ जाओ क्विज फॉर द डे पर। G20 सदस्य देशों के लिए वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तीसरा वार्षिक ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए। साथ ही साथ वीडियो के दौरान जितने प्रश्न पूछे उनके उत्तर भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। ऑल द बेस्ट। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।